वहीं ग्रेटर नोएडा बीटा टू में कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली से ऋतिक रोशन गैंग का शातिर बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ दिया है। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस की आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा लूट के मुकदमे दर्ज हैं, जबकि इसके बाकी क्रिमिनल इतिहास खंगाला जा रहा है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने इस चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद की। पुलिस पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रही है उसके गैंग में और कितने बदमाश शामिल हैं, ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। नोएडा से ब्यूरो चीफ ताहिर सैफी की रिपोर्ट। सूचना के आधार पर जो थाना बीटा टू पर 3 साल से फरार एक वांछित अपराधी, जिसका नाम आशु उर्फ हरिंदर उर्फ बिट्टू है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, ये पिछले 3 साल से थाना बीटा टू से लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर से 25,000 रुपये का इनाम ऑलरेडी घोषित था। सूचना के आधार पर बीटा के गामा क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें इसमें पुलिस के ऊपर जवाबी कार्रवाई करी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा भी इसके ऊपर जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें इसके पैर पर गोली लगी है। और इसके जो अन्य मुकदमे हैं उसके बारे में पुलिस तलाश कर रही है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी, साथ ही साथ इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध असला और कारतूस बरामद हुए हैं।